जिस इंसान की सांस निकल जाए तो वो जिंदा नहीं रहता, लेकिन जिस इंसान के दिल से एहसास निकल जाए तो वो इंसान ही नहीं रहता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी जबानें जानते हैं, दिल की जबान जानना आपको अहल और कीमती बनाता है। मसला ये नहीं है कि हक बात कहने वाले उलमाए कराम खत्म हो गए हैं, मुश्किल ये है कि हम सिर्फ अपनी मर्जी का हक सुनना चाहते हैं। हुजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि हिदायत के रास्ते पर तन्हा चल पड़ो। अपने गमों और परेशानियों को सीने में दफन कर दो, अगर इन्हें चेहरे पर सजाओगे तो कमजोर हो जाओगे। पत्थर मारने वाले से ना लड़ो, बल्कि अपने आप को इतना ऊंचा उठाओ कि पत्थर मारने वाले का पत्थर वहां तक ना पहुंच सके। मैंने बहुत से इंसान ऐसे देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता, और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। हर माजरत करने वाला ना खतावार होता है और ना कमजोर, ये सिफत तो वफादार लोगों में पाई जाती है। तौबा किसी बदी के हो जाने का नाम है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि इंसान इन इरादों के पूरा ना होने का भी शुक्र अदा करता है जो गलत थे। रिश्तों को ऐसी खूबी से निभाओ जैसे शहद की मक्खी फूलों से रस भी ले लेती है और उनका नुकसान भी नहीं होने देती। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता, फिर भी अपनों वाली खुशबू आती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। एतमाद एक छोटा सा लफ्ज है जिसे पढ़ने में एक सेकंड और सोचने में मिनट और समझने में दिन, मगर साबित करने में सारी जिंदगी लगती है। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है। कब, कौन, कहां बदल जाए पता ही नहीं चलता। इंसान भी अजीब है। दुआ के वक्त समझता है कि अल्लाह अज़्ज़ुवजल बहुत करीब है, और गुनाह के वक्त समझता है कि अल्लाह अज़्ज़ुवजल बहुत दूर है। खुश रहने का सबसे अच्छा उसूल ये भी है कि जहां लगे कि आपकी जगह नहीं, वहां खामोशी से खुद को अलग कर लो। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। जिंदगी में जब कभी हमारा खुद से सामना होता है तो पता चलता है कि हमने बेकार ख्वाहिशों की खातिर अपना दिल कितना दुखा रखा है। लोगों ने कुछ दिया तो जताया भी बहुत, सुनाया भी बहुत। ऐ अल्लाह, एक तेरा ही दर है जहां से सब कुछ मिलता है मगर ताना नहीं मिलता। कदर करो उन लोगों की जो तुम्हें बिना मतलब चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा हैं।